अस्सलाम वालेकुम। टुडे इन फंक्शनल इंग्लिश द टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद इट विद प्रोनाउन। सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ वन और मोर नाउन्स। वी यूज नाउन टू रेफर टू अ नाउन कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट दैट यूजली कम्स बिफोर द प्रोनाउन। सो वट इज an antecedent? Antecedent is the noun near the beginning of the sentence that it refers to. Pronoun क्या होता है, जो ऐसा कोई भी ऐसा word जो कि आपके nouns के जगह पर use हो रहा होता है। और हम ये जो nouns हैं ये किस लिए use करते हैं, refer to a noun that usually comes before the pronoun, ऐसे noun की तरफ को refer करने के लिए जो कि उससे पहले आता है, pronoun से पहले आता है। Make our writing clearer, smoother and less awkward. Like अगर आप हर बार अगर आप लिखेंगे एक noun जिसे आपने mention किया sentence में बार बार, तो वो भी थोड़ा weird लगेगा। लेकिन अगर हम noun की जगह जब हम pronoun को change कर देते हैं तो फिर वो एक स्मूथ राइटिंग जो है वो आपकी हो जाती है। इन द सेंटेंस टैरी एंड जिम नो दैट दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे इज़ द प्रोनाउन एंड टैरी एंड जिम आर द नाउन एंटीसीडेंट। अब टैरी एंड जिम जो है वो पहले आ रहे हैं, दिस इज़ नाउन एंटीसीडेंट जो कि आपके प्रोनाउन दे। अब ये जो दे है यहाँ पर ये प्रोनाउन है जो कि रेफर किसको कर रहा है, ये नाउन एंटीसीडेंट टैरी एंड जिम को, कि जिनके बारे में बात हो रही है। सो देर आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड दीज आर पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव, देन डेमोंस्ट्रेटिव, इनडेफिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? Reflexive pronouns are used when the subject and the object of a sentence are the same. Reflexive pronoun क्या होता है, जब subject और उसका जो object है both are same. आपके पास यहाँ पे example है, she took herself to the hospital. अब यहाँ पर ये जो herself है ये reflexive pronoun है, क्योंकि ये किसको कर रहा है, ये उसी के बारे में, शी के बारे में बात हो रही है, उसी को ही ये रेफर बैक कर रहा है। तो रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन होता है वो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर शी की जगह अगर ही होता तो ही टुक हिमसेल्फ टू द हॉस्पिटल, तो उसी के बारे में जब बात कर रहे हैं, उसी को रेफर कर रहे हैं, तो उसी पर्सन के बारे में बात करने का जो आपका प्रोनाउन यूज़ होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। Then there is personal pronouns. Refer to people and things. They are divided into three categories called first person, second person and third person. अब personal pronoun क्या है, जो कि हमने अपने एक person को refer करने के लिए जो हमने एक pronoun use करना होता है ये उसके लिए है। So first person is referring to the person who is speaking. अब first person कौन होता है, जो person खुद बोल रहा होता है। Then there is like I went to the mall, तो I जो है this is first person, then there is second person referring to the person spoken to, अब जिससे बात की जा रही है वो कौन है, second person है। So Joy, can you see this the bus? So and the third person referring to anyone or anything else, अब किसी भी और शख्स के बारे में जब आपने बात करनी हो तो वो कौन है, third person है। Bob saw us do this assignment, तो अब इस तरह से जो है आपके ये पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं इनको आपको एक टेबल के थ्रू भी आपको उसका थोड़ा क्लियर हो जाएगा इसका। सो कैटेगरीज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इसमें हमारे पास सिंगुलर में हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ये होंगे, और इसी के ही जब हम प्लूरल करेंगे तो ये हमारे पास ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आ जाएंगे। सो फर्स्ट पर्सन द स्पीकिंग पर्सन इज I, my, mine and me, and if we are going to make the plural, so we will use we, our, ours and us. Then in second person we have you, your or yours, and for plural the same you, your and yours. The third person, some other person or thing, then he, his, him, she, her,
hers, it and its. Then in plural there will be they, their, theirs and them. तो ये आपने जो है इनकी कैटेगरीज हैं पर्सनल प्रोनाउन की, इनको आपने याद रखना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं इनका जब यूज़ होता है सेंटेंसेस में तो आप इसको बहुत मिसमैच कर देते हैं. आप जब सिंगुलर से प्लूरल की तरफ जाते हैं तो आप उसमें भी बहुत सी गलतियां कर देते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल किस तरह से वेरी कर रहे होते हैं. Then we have interrogative pronoun. So interrogative pronoun is used to ask a question. जैसे कि आपको उससे ही पता चल रहा है नाम से ही कि ये इस पर interrogation है, questioning है. So these pronouns are which, who, whom and whose. क्योंकि जिसके थ्रू आप question जो है वो make कर सकते हो तो वो आपके जो है interrogative pronoun कहलाते हैं. Then there are demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is used to point out a specific person or thing. These pronouns include this, that, these and those. अब उसमें आप किसी चीज़ को किसी person को point out कर रहे हो तो उसकी तरफ इशारा कर रहे होते हैं. These pronouns include this, that and those. And in the sentence, Alia is this your? This is the demonstrative pronoun and yours is the personal pronoun. जिसमें आप किसी भी चीज़ की तरफ किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. देन वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन. अब जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी फ्रेज या क्लॉज को या किसी नाउन या प्रोनाउन से इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं. वी ऑफन सी देम व्हेन वी नीड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन. दे आर हु, होम, विच, हुएवर, होमएवर, विच एवर, दैट. अब इसमें क्या होता है, हम कोई भी वर्ड में जो सेंटेंस हम यूज लिख रहे होंगे उसके अंदर हमने इसको यूज़ करना है किसी भी नाउन और प्रोनाउन को उसके साथ कनेक्ट करने के लिए. Then we have an indefinite pronoun. So indefinite pronoun often does not refer to a specific or definite person or thing. It usually does not have a definite or specific antecedent as a personal pronoun does. अब इसमें क्या होता है, ये refer किसी specific और जो किसी definite person या thing को जो है वो refer नहीं करेगा. So in the sentence, everybody will select an other to help with everything. अब यहाँ पर जो तीन words हैं हमारे पास, bold words, everybody, another and everything. So these are all indefinite pronouns. Since they take the place of a noun and do not refer to a specific or definite person or thing. अब इसमें everybody या कोई भी हो सकता है, another, ठीक है, then everything. मतलब कोई भी स्पेसिफाई जो पर्सन और थिंग और वो जो है कोई भी जो उसमें जो प्रोनाउन है वो उसमें नहीं किया गया स्पेसिफाइड. सो इन इनडेफिनेट प्रोनाउन्स वी हैव ऑल दिस, ऑल एंड अदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, देन बोथ, ईच, इधर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, more, most, much, neither, nobody, none, no one, one, other, several, some, somebody and someone. अब आपने इनको याद रखना है, जब भी ये वर्ड्स आए आपको पता हो कि ये क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है. देन वी हैव दिस ऑल द इनडेफिनेट प्रोनाउन्स. अब इनको आपको याद रखने से आप कहीं भी अब ये वर्ड्स आएँ आपको ये पता होगा कि ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि इनमें कोई स्पेसिफाई कोई नाउन या प्रोनाउन के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा. किसी भी पर्सन के बारे में बात हो रही, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही, कि क्वांटिटी की बात हो रही है तो उसमें भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, जस्ट मच है या अगर सम और सेवरल और इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं उसमें अगर टाइम की बात हो रही है तो उसमें भी लाइक कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो मतलब हर चीज़ में जो है कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया उसे, तो ये सब जो है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है.